मतलब कि इतनी जल्दी तो मैगी नहीं बनती, उससे जल्दी तो अक्षय सर की मूवी बन जाती है। मतलब कि अक्षय कुमार इतनी स्पीड से मूवी रिलीज करते हैं, इतनी स्पीड से तो गूगल पे का पेमेंट भी नहीं होता। खैर फाइनली अक्षय कुमार की एक और मूवी आने वाली है पृथ्वीराज चौहान, जिसका कि ट्रेलर तो रिलीज हो गया है। अब इस मूवी की जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड होने वाली है। अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है और उनकी वीरताओं की किस्से सुनकर हमारे गूज़बम्प तक निकल आते हैं। ऐसे शानदार वॉरियर की स्टोरी को एक बार फिर से बॉलीवुड लेकर आ रहा है, वो भी अक्षय कुमार के जरिए, और उनको दोबारा हमारी आंखों के सामने जिंदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है इस मूवी के जरिए। और जिनके बारे में हमने आज तक बस या तो किताबों में पढ़ा है या फिर लोगों से सुना है, लेकिन इस मूवी के जरिए हम उनकी लाइफ के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। अब इस मूवी के ट्रेलर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमको काफी ज्यादा इम्प्रेस करने में कामयाब भी रहती है। मतलब कि ट्रेलर दमदार है तो मूवी भी दमदार ही होगी। अब इस ट्रेलर के मूवी में जो सिनेमेटोग्राफी है, विजुअल इफेक्ट्स है और VFX है, उन पर अच्छा खासा पैसा फूका है फिल्म मेकर्स ने, जिससे उनके सेट्स भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब कि मूवी शानदार होने वाली है। लेकिन फिर भी यार ऐसा क्यों लग रहा है कि अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के रोल में थोड़ा सा फिट नजर नहीं आ रहे हैं? मतलब कि जंग के मैदान में फाइट करते टाइम वो अक्रोश, वो भारीपन दूर दूर तक उनकी आंखों में नजर नहीं आता है, और उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पृथ्वीराज चौहान को देख रहे हैं। मतलब कि सब नॉर्मल सा दिख रहा है, फील हो रहा है। और फिल्म के डायलॉग की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा दमदार है, लेकिन बोलने के अंदाज में वो भारीपन, वो हिम्मत, वो जोश नजर नहीं आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक राजपूत सम्राट जिसको सोचकर ही हमारे माइंड में जो सबसे पहली इमेज बनती है उसमें अक्षय कुमार थोड़े से फिट नजर नहीं आते हैं। अब वैसे तो अक्षय सर कमाल के एक्टर है जिसमें कि कोई शक नहीं है, और वो मेरे फेवरेट हीरो है और उनकी हर एक मूवी कमाल की होती है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर को पकड़ने में उन्होंने वो कोशिश नहीं की है और शायद वो रोल इन पर थोड़ा सा जम नहीं रहा है। अब कमेंट्स में जाकर हेट मत फैलाने लगना कि मैं अक्षय कुमार को हेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा शानदार है, जिसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा मानो कि आप युद्ध के मैदान में खड़े हो। इसके अलावा मूवी में हीरो जितना दमदार होता है, अगर विलन भी उतना ही खतरनाक और खूंखार हो तो फिल्म देखने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। मतलब कि विलन ऐसा हो जिसको देखकर डर लगे, उसके कारनामों को देखकर नफरत सी होने लगे उससे, मतलब कि ये विलन की एक खासियत सी होती है। लेकिन यहाँ तो विलन में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ना डर दिख रहा है, ना नफरत हो रही है उस बंदे से, बस सब नॉर्मल सा चल रहा है। क्योंकि एक विलन कैसा होता है तुम खिलजी के कैरेक्टर में रणवीर सिंह को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो। बंदे की आंखों में देखकर डर साफ दिखाई देता है और खिलजी के किरदार से नफरत भी उठने लगती है, लेकिन यहाँ दोनों मिसिंग है, डर और नफरत। इसके अलावा मूवी में संजय दत्त भी है जिनका की कैरेक्टर काफी अच्छा है, और सोनू सूद भी है, आशुतोष राणा भी है, और वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस मूवी में। इसके अलावा मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी चिल्लर भी है इस मूवी में। अब अक्षय कुमार की जो रियल एक्टिंग दिखनी चाहिए थी वो इस ट्रेलर में काफी थोड़ी नजर नहीं आती है। मतलब कि जो छवि बननी चाहिए थी पृथ्वीराज चौहान की, वो शायद अब इस मूवी में नहीं बन पाई है उनकी। लेकिन वो काफी अच्छे एक्टर है, कमाल के एक्टर है, उनके बारे में मैं हेट नहीं कर रहा हूँ। आपका ओपिनियन क्या कहता है, इस रोल में कौन सा एक्टर सबसे अच्छा लगता, फिट होता पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर में, पूरा फिट बैठता, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक